टिकमगढ़ शहर में काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि दो पहिया वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें बुजुर्गों को काफी परेशान होना पड़ रहा था। उसी के चलते ट्रैफिक प्रभारी कैलाश पटेल द्वारा बीते दिन शाम को तकरीबन 5-2 पहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिनसे तकरीबन 5,000 रुपए का शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही उनके साइलेंसर भी हटवाए गए। पटेल द्वारा बताया गया कि कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यातायात प्रभारी ने यह भी बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से अभी लोगों को परेशानी हो रही है, जिनमें खासतौर से बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते यह कार्यवाही जारी है और जारी रहेगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? देखिए, एक लंबे समय से मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ में वाहन कुछ चल रहे थे, मोटरसाइकिल स्पेशली, तो उनके विरुद्ध आज चालानी कार्रवाई प्लस साइलेंसर निकलवाने की कार्रवाई की। सर, कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की? 5 वाहन अभी मिले हैं वर्तमान में और इन पर कार्रवाई की गई है और आगामी समय में ये अभियान लगातार जारी। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत दी गई? पार्डन प्लीज, हिदायत क्या दी गई सर ऐसे लोगों जो काम करते हैं? जी, हमारा इनसे अनुरोध रहेगा कि भाई इस तरीके के साइलेंसर का इस्तेमाल ना करें, जो बड़े बुजुर्गों के लिए और अन्य जो रहवासी हैं उनके लिए पीड़ादायक हो, ताकि यथावत रूप से यातायात भी चलता रहे और किसी को व्यवधान भी उत्पन्न ना हो। सब तो केवल साइलेंसर निकाले गए हैं कि इनके ऊपर चालान निकाला गया? कितने की चालान? 1,000 रुपये का चालान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।